हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और आज हमें जाना है तिनसुकिया, तो पापा का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो इसीलिए अभी मैं फटाफट से काम कर ले रही हूँ। वैसे तो गाड़ी हमारा 9 बजे का था, क्योंकि डॉक्टर ना थोड़ा लेट आते हैं, इसीलिए तो हमने सोचा कि थोड़ा मतलब लेट गाड़ी में जाते हैं तो डॉक्टर भी मिल जाएगा और वेट भी नहीं करना पड़ेगा वहाँ ज़्यादा। तो दिशु नहीं जाएगी, तो मेरी बहन कल ही तिनसुकिया से आई थी, तो उसी के साथ दिशु को हम छोड़कर जाएंगे और शाम तक मैं भी आ जाऊंगी, क्योंकि ना दो जन रहने का वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो इसीलिए दिशु के पापा खाली रहेंगे। तो जब शाम को मैं वापस आ रही थी ना फ्रेंड्स, तो मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। तो मतलब फिजिकली तो मेरा ऐसा कुछ मेहनत हुआ ही नहीं है, तो ना मेंटली मतलब सोच 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 के ना इतना ख़राब लग रहा था मेरा तबीयत कि क्या बोलूँ मैं, कब घर पहुँचूँ कब घर पहुँचूँ ऐसा लग रहा था मुझे। उसके बाद घर पहुंचने के बाद ना थोड़ा सा खाना खाकर उसके बाद तो मैं सो ही गई। किसका फ़ोन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं पता, बस सो गई मैं। इतना टायर्ड लग रहा था मुझे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहाकर, तो अभी पूजा के लिए फूल तोड़ लेती हूँ, और उसके बाद पूजा उजा करने के बाद नाश्ता करना है, रेडी होना है, क्योंकि 8:30 तक गाड़ी आ जाएगी तो घर से ही पिकअप करेगी इसीलिए। और आज मैंने ना एक ही रोटी खाई है, क्योंकि खाने का मन ही नहीं हो रहा था, तो ऐसे टेंशन टेंशन हो रहा था मन में कुछ, क्या पता नहीं डॉक्टर क्या भूलेगा क्या नहीं बोलकर। और उसके बाद ये देखिए, हम सीधा यहाँ पर पापा बैठे हैं, दिशु के पापा ने टिकट कटवा ली है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस ये देखिए ये हमारे यहाँ का नदी है। तो पहले हम लोग ना, जब ये पुल नहीं बनी थी, ब्रिज जो नहीं बना था, तब हम लोग ये ना नदी नाव में पार करते थे। तो नाव के ऊपर गाड़ी भी रहता था, उसके बाद पैसेंजर। तो ये बहुत बड़ी नदी है, तो ये अभी वो सब ज़माना चला गया, क्योंकि अभी पुल बन गई है तो सुविधा भी हो गया है, टाइम भी कम लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पापा का एडमिशन हो गया है और ये है पापा का रूम। तो यहाँ पर देखिए बैठे हैं पापा, तो सारे टेस्ट वगैरह हो गए थे, और देखिए मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हैं। तो इनको देखकर ना मुझे भी सारा रास्ता में बहुत टेंशन हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।